पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई के अध्यक्ष अरविंद अविनाश भंडारे एवं शांताराम इंगले द्वारा चारों मारू गुफा का बारीकी से निरीक्षण किया गया। सीहोर जिला सलकनपुर मार्ग पर पानगुराड़िया नकटी तलाई के पास पहाड़ी पर सारूमारू गुफा स्थित है। यहाँ पर इन गुफाओं में सम्राट अशोक के समय के बौद्ध स्तूप एवं गुफाओं के पत्थरों पर अंकुरित पाली भाषा में चिन्हित लेख लिखे हुए दिखाई देते हैं, जिनको देखने के लिए पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई के अध्यक्ष अरविंद अविनाश भंडारे शांताराम इंगले द्वारा यहां पहुंचकर शिलालेख बौद्ध स्तूप शैलचित्र गुफाओं पर लिखी गई प्राचीन भाषा में पाली भाषा का बारीकी से निरीक्षण किया गया। अरविंद भंडारे ने बताया कि पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में पाली भाषा का प्रचार करती है, वैसे ही इंसर्ट स्क्रिप्ट पढ़ने का काम करती है। यह इंसर्ट हिस्ट्री के द्वारा हम लोगों के सामने लाने का प्रयास करते हैं, उसी का एक प्रयास है जो हम लोग शारूमारू गुफा का विजिट करने आए हैं। हमने यहाँ देखा है कि यहाँ पर बौद्ध प्राचीन स्तूप है, उससे पूर्व के शैल चित्र हैं, उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं बौद्ध अनुयायियों द्वारा विगत कई वर्षों से मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें श्रीलंका वियतनाम सहित कई जगह से सैकड़ों पर्यटक द्वारा मेले में सम्मिलित होने आते हैं। पर्यटकों के लिए ऐतिहासिक प्राकृतिक रूप से खूबसूरत स्थान है। वर्तमान में 12 स्तूपों को पुरातात्विक विभाग द्वारा मूल रूप दिए जाने के प्रयास किए गए हैं। प्रवेश द्वार के पास स्थित लगभग 30 फीट गोलाई का बना स्तूप दिखाई देता है। केवल राम सोनिया धर्म सिंह मेहरा, शुभम पेठारी, राम भरोसे मेहरा ने बताया कि यहाँ पर पर्यटकों के लिए सड़क एवं पानी लाइट की सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये रिसर्च जो किया जा रहा है आपके द्वारा, ये शासन से मान्यता प्राप्त है क्या? हम लोग पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई से है और पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई भारत में पाली भाषा प्रचार का काम करती है। वैसे ही एंशंट स्क्रिप्ट जो है उसको पढ़ाने का काम करती है और एंशंट जो अपना हिस्ट्री है उसको लोगों के सामने लाने का हम लोग प्रयास करते हैं, उसको प्रकाश में लाने का हम लोग प्रयास करते हैं। उसी का एक प्रयास का एक भाग है और इसी प्रयास के एक भाग के हेतु हम लोग सारूमारू आज विजिट करने आए हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने आके यहाँ पे देखा कि यहाँ पे बहुत बौद्ध प्राचीन स्तूप है और उससे भी प्राचीन यहाँ पे शैल चित्र है और गुफाएँ हैं अश्मयुगीन काल की, तो उस पर और यहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में भी कुछ लिखा हुआ है, मतलब कुछ उसमें एक लेख है, शिलालेख है, तो उस शिलालेख को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और लोगों के सामने उसको लाने का प्रयास करेंगे। इस कार्य के लिए आज हमें शिवम पेठारी साहब, जगदीश पेठारी साहब और रामानंद यादव, इन लोगों ने और उनके सहकारी जो है यहाँ से, उन सब लोगों ने हम लोगों को बहुत सहाय किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो हम पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से उन सब के हम लोग आभारी है। और ये कहाँ कहाँ स्तूपों पर अभी तक गए आप? अभी हम लोग गए हैं गैरसपुर, सांची, सारनाथ, सांची, सोनारी, सतधारा और यहाँ पे कल हम लोग बुधनी जाने वाले हैं, बुधनी में भी है और भी हमारा ये है मुरेल खुर्द गए थे हम लोग परसों। तो वैसे मध्य प्रदेश में जितने भी मतलब अभी तक प्रकाश में नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है, लोग वहाँ पे कम विजिट करते हैं। उस पर रिसर्च हो चुका है थोड़ा बहुत, लेकिन लोग उस जगहों पे कम विजिट करते हैं, तो ऐसी जगहों में हम लोग जाके उसको हम लोग प्रकाश में लाने का प्रयास करेंगे। आगे चल के इसके कुछ अच्छे रिजल्ट आएंगे? बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ हमने किया है और महाराष्ट्र में बहुत सारी संस्थाएँ, बहुत सारे टीम है जो इस कार्य में लगे हुए हैं, वो भी काम करते हैं। और जैसे इस कार्य को हम लोग YouTube पे या सोशल मीडिया पे हम लोग डाल देते हैं, तो बहुत सारे लोग उसको देख के, उसको पढ़ के, जो हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पे आते हैं फिर बाद में। और पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई की एक धम्मा जैन चारिका भी चलती है, उसका मतलब हम लोग धम्मा टूर ऑर्गेनाइज करते हैं और उस धम्मा टूर में हम ऐसे ही जगहों पर लोगों को लेके जाते हैं जो जगह ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होती है। बोध गया, सारनाथ, कुशीनारा, लुम्बिनी, ये जगह तो हम लोग करते हैं हर साल, लेकिन ऐसी जगहों पे भी हम लोग एक टूर ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको धम्मा जैन चारिका हम लोग कहते हैं उसको। थैंक यू। कैनन न्यूज़ के लिए सीहोर से विजय कलमोर की रिपोर्ट।